फ्यूजन गारमेंट पैटर्न मेकिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं फ्रेंच सीम की। फ्रेंच सीम जो है अधिकतर डेनिम की पैंट है जो डबल सिलाई होती है उसमें होती है। आपको क्या करना है, एक पल्ला छोटा एक बड़ा रख के इस तरीके से मोड़ना है। एक का मार्जिन ज़्यादा होगा और एक का मार्जिन कम होगा। एक में आपका 2 सूत का मार्जिन होगा और एक में आपका 5 सूत का मार्जिन होगा। इस तरीके से आप मोड़ेंगे, ये देखिए। इससे ऊपर की साइड जो है डबल नीडल आएगी, ये हम सिंगल नीडल से कर रहे हैं। इसके लिए वैसे फ्रीडम आर्म का भी यूज़ होता है। ये देखिए, इस तरीके से आप सिलाई लगा देंगे। अधिकतर डेनिम की जैकेट, डेनिम की पैंट इन साइड में सीम का यूज़ किया जाता है, मगर हम आपको सिंगल नीडल से फ्रेंच सीम किस तरीके से लगाते हैं वो बता रहे हैं। ये देखिए, पहले आपने लॉक कर दिया, सिंगल प्लाई को अंदर किया, ऊपर वाली नीचे वाली प्लाई को टर्न करके लेके आई। इस तरीके से सिंगल सिलाई लग गई। आप क्या करेंगे, इसको नखून की मदद से तोड़ लेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। ये देखिए, इसको आपने, इसको चीरना भी कहते हैं हिंदी में और तोड़ना भी कहते हैं। अब इस तरीके से इसको तोड़ के और अब इसके ऊपर लपकी सिलाई लगा देंगे तो ऊपर क्या होगा, डबल नीडल आपकी आ जाएगी ऊपर की साइड। इसके अंदर अधिकतर मोटे धागे का यूज़ किया जाता है, उसके हिसाब से आपको नीडल भी रखनी है। नीडल और धागे का बहुत ध्यान रखना है आपको, कितने टिकट नंबर का आपका लगना है थ्रेड इसके अंदर। और इस तरीके से ये फ्रेंच सीम लगाई जाती है, देख रहे हैं आप, देखिए। और ये सीम देखने में बहुत अच्छी लगती है और मजबूत भी होती है, ये देखिए। इस तरीके से खास तौर पर जब आप सिंगल नीडल का यूज़ करेंगे तो आपको बैलेंस का ध्यान रखना है, दोनों स्टिच स्ट्रेट लगनी चाहिए, एक बराबर डिस्टेंस से लगनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.